भाषा को लेकर भी कुछ जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। नीति नियामक संस्थाओं में अंग्रेजी का प्रभुत्व दिखाई देता है, संघ का भारतीय भाषाओं और हिंदी के प्रति क्या विचार है? संस्कृत के विद्यालय भी घट रहे हैं और इसे महत्व भी नहीं दिया जाता, संघ इस स्थिति को कैसे देखता है? हिंदी पूरे देश की भाषा कब बनेगी? क्या संस्कृत को हिंदी से अधिक वरीयता नहीं दी जानी चाहिए? अभी जो अंग्रेजी के प्रभुत्व की बात है वो नीति नियामक संस्था में कहाँ है, वो तो हमारे मन में है। आज ये सामान्य अनुभव है कि भारत का उच्च भ्रू वर्ग भारतीय भाषाओं में जो बोल सकता है, हिंदी भी जानते हैं दोनों, लेकिन मिलते हैं तब अंग्रेजी में बात करते हैं। तो हम अपनी मातृभाषाओं को सम्मान देना शुरू करें। भाषा भाव की वाहक होती है, संस्कृति की वाहक होती है, और इसलिए भाषाओं का रहना ये अनिवार्य बात है मनुष्य जाति के विकास के लिए। अपनी भाषा का पूरा ज्ञान हो, किसी भाषा से शत्रुता करने की जरूरत नहीं। अंग्रेजी हटाओ नहीं, अंग्रेजी रखो, यथास्थान रखो। अंग्रेजी का एक हवा जो हमारे मन पर है उसको निकालना चाहिए। इंटरनेशनल लैंग्वेज हम ऐसा कहते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है कि लोगों में अगर हम बात करते हैं तो यूरोप के देशों में दो भारतीय मिलने के बाद अंग्रेजी में बात करेंगे तो सबको समझ में नहीं आएगी, उनको भारतीय भाषाओं का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ जहाँ अंग्रेजों का प्रभुत्व रहा ऐसे देशों में अंग्रेजी का एक स्थान है। अमेरिका भी अंग्रेजी बोलती है, लेकिन वो कहती है हम ब्रिटिश इंग्लिश से, हमारी इंग्लिश अलग है, स्पेलिंग तक सब अलग अलग है। फ्रांस में जाएंगे फ्रेंच चलेगी, इसराइल में आपको पढ़ने जाना है हिब्रू पढ़ के जाना पड़ेगा, रशिया में जाना है रशियन सीख के जाना पड़ेगा, चीन जापान सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग सब बातों में करते हैं। उन्होंने प्रयास पूर्वक इसको किया है, हमको ये प्रयास करने पड़ेंगे। जितना हम स्वभाषा में काम चलाएंगे, और सबसे समृद्ध भाषा हमारे पास है, हम ये कर सकते हैं, हम करने को हो जाए तो ये हो जाएगा। अंग्रेजी से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, उत्तम अंग्रेजी बोलने वाले चाहिए, और दुनिया में भी अपने अंग्रेजी वक्तृत्व की छाप बना सकते हैं, ऐसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग हमारे देश के भी होने चाहिए। भाषा के नाते किसी भाषा से शत्रुता हम नहीं करते, लेकिन देश की उन्नति के नाते हमारी मातृभाषाओं में शिक्षा हो, इसकी आवश्यकता है। फिर प्रश्न आता है कि हमारी तो अनेक भाषाएं हैं, तो एक भाषा हमारी क्यों नहीं? किसी एक भारतीय भाषा को हम सीखे, इसका मानस हमको बनाना पड़ेगा। हिंदी की बात स्वाभाविक रूप से चली है, पुराने समय से चली है, अधिक लोग हिंदी बोलते हैं इसलिए चली है, लेकिन ये मन बनाना पड़ेगा। कानून बनाने से नहीं होगा, थोपने से नहीं होगा। आखिर एक भाषा की बात हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमको देश को जोड़ना है। एक भाषा बनाने से अगर देश में विरोध खड़ा होता है, आपस में कटुता बढ़ती है, तो हमको तो ये सोचना चाहिए कि मन हम कैसा बनाए। मेरा अनुभव ऐसे कहता है, हिंदी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में काम करना पड़ता है देश में अधिकांश भाग में, इसलिए अन्य प्रांतों के लोग, बहुत से लोग हिंदी सीख रहे, सीखते हैं। हिंदी प्रांतों के लोगों का हिंदी में चल जाता है, इसलिए वो दूसरी भाषा नहीं सीखते। क्यों ना हिंदी बोलने वालों ने भी दूसरे किसी प्रांत की एक भाषा को सीखना चाहिए, तो यह मन मिलाप जल्दी होगा और हमारी एक राष्ट्रभाषा और उसमें सारा कारोबार, ये काम जल्दी हो जाएगा। ये करने की आवश्यकता है। संस्कृत के विद्यालय घट रहे हैं और महत्व भी नहीं दिया जाता, कौन नहीं देता? हम महत्व नहीं देते, इसलिए सरकार भी नहीं देती। अगर हमारा आग्रह रहे कि अपनी परंपरा का सारा साहित्य लगभग संस्कृत में है, तो हम संस्कृत सीखे, हमारे बच्चे सीखे, कम से कम बोलचाल कर सके इतना सीखे। इस दिशा में लगे हैं संघ के स्वयंसेवक, संस्कृत के प्रचार प्रचार के 2-3 काम चलते हैं, अच्छे पल्ले बढ़ रहे हैं। लेकिन ये अगर हमारा मानस बने तो
तो अपनी विरासत का अध्ययन भी ठीक से हो सकेगा, और अपनी भी कोई भाषा है और वो इतनी श्रेष्ठ भाषा है कि संगणक के लिए सर्वाधिक उपयोग वही भाषा है, ये सारी बातें पता चलेगी। ये गौरव बनता है तो समाज में उसका चलन बढ़ता है, चलन बढ़ता है तो विद्यालय भी फिर से खुल जाते हैं, पढ़ाने वाले भी मिल जाते हैं, नीतियों को भी समाज का मानस प्रभावित करता है। ये काम करने की बहुत ज़रूरत है, वो हम करते नहीं हैं, और कोई करे ऐसा ठेका दे के विचार करते तो ये कभी होने वाला नहीं है। तो और फिर वरीयता का प्रश्न है, ये वरीयता शब्द गलत है। भारत की सारी भाषाएं मेरी भाषा है, और जहां मैं रहता हूं वहां की भाषा बोलता हूं, ये होना चाहिए। अपनी मातृभाषा पूरी आनी चाहिए, जहां मैं रहता हूं वहां की भाषा आत्मसात करनी चाहिए, और पूरे भारत की एक भाषा जो हम बनाएंगे वो श्रेष्ठ है इसलिए बनाए, ऐसा नहीं, वो सर्वाधिक उपयुक्त है आज के समय में इसलिए बनाएंगे, उसको भी सीखना चाहिए। और फिर आपकी रुचि है और आवश्यकता है तो कोई भी विदेश की भाषा सीखिए, उसमें विदेशी लोगों से ज्यादा प्रवीण बनिए, उसमें भारत का गौरव है।